देशी व किसान पुत्र होने की बात कर किसानों को हर संभव मदद देने की बात करती है, लेकिन अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों का व्यापारी शोषण कर रहे हैं। यह व्यापारी मुनाफाखोरी के चलते किसानों के साथ धोखाधड़ी कर लूट कर रहे हैं। प्रशासन की कार्यवाही से यह मामला उजागर हुआ है। छतरपुर जिले के नौगांव में भट्ट कृषि बीज भंडार पर प्रशासन ने छापामार कार्यवाही की। भट्ट कृषि भंडार से भारी मात्रा में 14 प्रकार के एक्सपायरी डेट की कीटनाशक दवाएं जब्त कर कार्यवाही की गई, जिससे नगर के बीज भंडारों की दुकानों में हड़कंप मच गया और दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद कर भाग गए। वहीं शासन प्रशासन को चाहिए कि इस तरह की कार्यवाही जारी रखें, ताकि देश के अन्नदाता कहे जाने वाले किसान को व्यापारी रूपी दानव से बचाया जा सके। निस्संदेह मिली है हमारे कबाड़ के गोदाम में, जहां पर हम बेचने के लिए मना दवाइयां रखते हैं, वहां एक्सपायरी डेट की दवाइयां रखी थीं। चूंकि हमारा जो व्यापार है वो कीटनाशक दवाओं का व्यापार है, हम बिना विशेषज्ञ की देख रेख के उन दवाओं को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। हमें विभाग से कभी भी किसी प्रकार का कोई आदेश या अनुरोध नहीं मिला कि इनको कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए। कोई बहुत ज़्यादा मात्रा में दवाएँ नहीं थी, कोई 2 लीटर है, कोई 10 बोतल है, कोई 5 बोतल है, ऐसे करके 15 से 25 हज़ार का एक्सपायरी मटेरियल है जो एक तरफ रखा था। ना तो मैं हम उसको बेचते थे और ना ही विभाग के जब्त करने पर मुझे कोई आपत्ति है। विभाग यदि उसको चाहे तो नष्ट कर सकता है विशेषज्ञों की देखरेख में। उसके लिए अगर विभाग को हम चाहें, विभाग हमारी मदद चाहे तो हम उसको अपना साधन उपलब्ध करा सकते हैं। विभाग हमें जगह बता दे कहाँ नष्ट कराना है। ना तो हमारा इतिहास रहा है इस दुकान का कि हमने कभी भी किसानों के साथ धोखा किया हो, ना धोखा करने की कभी नियत रही है। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार आज नौगांव में भट्ट कृषि भंडार कृषि बीज भंडार पर कृषि विभाग के SDO तहसीलदार थाना प्रभारी हमारे अन्य साथियों के साथ में यहां पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में कीटनाशक दवाइयां एक्सपायरी डेट की अधिक मात्रा में मिली है, जिनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है और पूरा सामान सील कर लिया गया है। ये जब्त हो जाएगा, इसके बाद में आगे कार्रवाई और भी की जाएगी। इसमें देखिए, यहाँ पर जो नौगांव में भट्ट कृषि भंडार पर जो एक सामान्य निरीक्षण होता है वो किया गया है, उसके तहत है जो पेस्टिसाइड कुछ एक्सपायरी डेट के बरामद हुए हैं। ठीक है, जो पेस्टिसाइड बरामद हुए हैं वो 14 प्रकार के हुए हैं और उसकी जानकारी हम अपने जिलाधिकारी को दे रहे हैं और उसके बाद कलेक्टर साहब को सूचना जाएगी, उसके बाद वो FIR का ऑर्डर करेंगे, उसके बाद FIR की कार्रवाई की जाएगी।